दीपक भैया, दीपक भैया पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उससे विपक्ष में एक घबराहट की स्थिति बनी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं ने किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को लाभान्वित किया और प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण दिया, विपक्ष अंग्रेजों की तरीके से पूरे जात विहीन व्यवस्था के आधार पर जो गरीब कल्याण को आधार बना के योजनाएं चलाई जा रही थी कि राशन मिला तो सबको, गैस का सिलेंडर मिला तो सबको, मकान मिले तो सबको, गरीबी आधार। और देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, देश की राष्ट्रपति आदिवासी, ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। विपक्ष तरह तरह के षड्यंत्रों के द्वारा वो किसी भी तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकारों को के खिलाफ दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष ने, और ख़ासतौर से मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने, अपने सहयोगियों को एक तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ सक्रिय किया है। कांग्रेस का प्रमुख सहयोगी लेनिन का बेटा, स्टालिन का बेटा जो उदय है, उसने कांग्रेस की सह पर सनातन धर्म को कोरोना, मलेरिया, डेंगू ऐसे शब्दों से उसने प्रयोग किया कि इसको समाप्त कर देंगे। कांग्रेस ने इसके पहले श्री राम जन्मभूमि है नहीं, राम काल्पनिक हैं, राम सेतु बंद रामेश्वरम का अस्तित्व नहीं है, ऐसे बयान दिए थे। मैं समझता हूँ ये लोग देश को बांटना चाहते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसका शिकार कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ प्रमुख लोग हैं जो सनातन धर्म को गाली भी देते हैं, उसको नष्ट करने की बात भी करते हैं। और यही धर्म है जो सबको एक करने की बात करता है और जीव जंतु तक में समानता का भाव हो उसकी परिकल्पना करता है। और मुझे खुशी है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को ऊंचा ले जाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर आप देखो तो जब नैमिष का उदाहरण, तो उधर महाकाल लोक का निर्माण, तो इधर काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर, तो उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, उधर मथुरा का विकास प्राधिकरण, तो इधर मिर्जापुर का विंध्यवासिनी माता का एरिया का डेवलपमेंट, यानी सांस्कृतिक धार्मिक जो सहिष्णुता है उसमें इजाफा करने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने एक समन्वित रूप में किया है। मोदी और योगी आज एक का जो समन्वय है वो विकास का एक आइडियल मॉडल बने हैं। और मैं समझता हूँ कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहले से अधिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री आएंगे और इसी घबराहट के कारण एक बार विपक्ष अपनी पुरानी साजिशों को लेकर वो आ रहा है। वो अनुसूचित का, वो पिछड़े का, वो गरीब सवर्णों का, अल्पसंख्यक का कल्याण नहीं चाहते। वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, शैक्षिक रूप में उनके उन्नयन की बात नहीं करते। वो अपना पुराना फार्मूला अपना के आपस में लड़ाओ, इस प्रकार की घटनाओं को वो कार रूप देने का सपना देख रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। और मोदी जी एक बार तीसरी बार फिर से जीत कर जाएंगे। जौनपुर दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मस्थली रहा है, वो यहीं से चुनाव भी लड़े थे। और मैं कह सकता हूँ कि अब की भारी मार्जिन से लोकसभा में जौनपुर का प्रतिनिधि पहुँचेगा और लोकसभा में 80 की 80 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। यूपी में जातीय जनगणना कब कर? मैंने कहा ना अभी, उसी पे तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बीजेपी गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो
पिछड़े वर्ग को मिला है, अनुसूचित वर्ग को मिला है। और मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग का देश के प्रधानमंत्री हैं, यही दर्द है। आज यहाँ जो जितना विपक्ष का है उन सबका दर्द यही है। जाति के साथ साथ जो जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है और महिलाओं को आरक्षण मिला है, मैं समझता हूँ कि भारत जिस तेजी से डेवलप कर रहा है, 7.8% की जो ग्रोथ कोरोना के बावजूद भारत में मौजूद है, भारत पांचवी महाशक्ति बन चुका है और तीसरी महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ये विपक्षी घबराहट है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ महाशक्तियाँ हैं वो भी नहीं चाहते कि मोदी जी हो, और यहाँ विपक्ष के कुछ लोगों का राग भी यही है। मैं समझता हूँ इन सब के बावजूद जनता बीजेपी के साथ है। विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए, जो जैसा कर रहा है कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो हमेशा होती आई है। बीजेपी किसी के खिलाफ या बीजेपी सरकार ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कानून अपना कार्य करता है और किसी भी जांच एजेंसी पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पत्रकारों पे अभी कार्रवाई हुई नहीं, कहीं नहीं। जो अगर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबूत मिलेंगे उसमें राजा से लेकर रंग तक अगर किसी जांच के दायरे में आते हैं तो यही निष्पक्ष कार्यप्रणाली होती है सरकार की। कोई भी निष्पक्ष सरकार होती है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है राष्ट्रहित चिंतन। राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके बाद कोई और चीज़ है।